और मैं रहुआ जी चुनाव हार गए आपके, हम प्रचार में नहीं गए थे ना इसीलिए हम प्रचार में नहीं गए थे ना इसीलिए अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। तीन लोग जीते हैं, एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। भैया अभी जो हम आए हैं ना, हम यहाँ चुनाव किसी का शपथ ग्रहण कराने नहीं आए हैं। प्रयास है कि एक जिस तरह बाकी हिंदी साउथ के लोग अपने सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हिमांशु सर, रोशन सर, हमारी रति पांडे जी, डायना खान, सब लोग मिलके और पूरी मैं भोजपुरी मिलकर एक अच्छी प्रयास कर रही है, उसी के साथ उसी के प्रमोशन में। आपने चुनाव में दो तीन जगह प्रचार किया, अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। तीन लोग जीते हैं, एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। और मैं रहुआ जी चुनाव हार गए आपके, हम प्रचार में नहीं गए थे ना इसीलिए छोड़िए चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। भैया अभी जो हम आए हैं ना, हम यहाँ चुनाव किसी का शपथ ग्रहण कराने नहीं आए हैं, हम आए हैं अपने सिनेमा के प्रचार के लिए और अपने सिनेमा के लिए, क्योंकि वो भी एक जरिया है लोगों के लिए रोजगार के लिए, और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए बात करना है हमें, भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने की बात करनी है, ये नहीं कि कौन शपथ कर रहा है, कौन समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में जो हमारी सिनेमा लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, लेकिन ये रंगदे बसंती लग रही है, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सरकार भी इस पर अमल करे और हमारे सिनेमाओं को थोड़ा सा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए जो गाते हैं उनको रोक नहीं सकते हम, अगर बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, बेहतर चीज़ों को दुनिया पसंद करना शुरू करेगी, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो जब हम बेहतर चीज़ें करेंगे तो बदलाव हमें ही करना है, आज जनता ने कुछ कुछ चीज़ें बदली ना, तो बदलना तो जनता को ही है, तो बेहतर आप सोचेंगे तभी बेहतर होने वाला है।